सभी भाइयों को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक वीडियो जो एक वायरल अभी आप देख रहे हैं मौलाना जी की, मेरे सभी हिंदू भाई इनकी इन तीन शर्तों पर विचार करके देखिए, क्या ये तीन शर्तें जो हैं हमारी सरकार को एक्सेप्ट करनी चाहिए। यदि वाकई में ये हमारी हिंदुओं की सरकार है तो इसे एक्सेप्ट करनी चाहिए, और ये तीनों कानून जो है वो पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू होने चाहिए। मोदी जी नमस्कार, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस हैसियत से हम आपका एहतराम करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। मैंने सुना है कि आपको चैलेंज लेना बहुत कबूल है, आप बहुत जल्दी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और मुझे खुशी इस बात की कि हमारे देश का प्रधानमंत्री चैलेंज कबूल करने वाला है। सर, मैं तीन चैलेंज आपके सामने रखता हूं, और अगर आप तीनों चैलेंज मेरे कबूल कर लेते हैं और एक साल के अंदर इसको पूरा कर देते हैं तो मैं समझूंगा, मैं डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने कहूंगा कि प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा। मेरे तीन चैलेंज ये हैं कि जो वादे आपने चार साल में किए, पता नहीं कितने पूरे हुए नहीं हुए, मुझे उससे बहस नहीं, लेकिन तीन चैलेंज मैं आपके सामने करता हूं। एक साल के अंदर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापस भेजो, उनकी रिहाइश का इंतजाम करो। गंगा की सफाई का वादा किया था आपने, गंगा को गंगा जल की तरह साफ कर दो, और गौ हत्या पर पूरे देश में एक कानून बना दो। मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से ये बात कह रहा हूं, इसमें मुसलमानों का कोई फायदा नहीं है, लेकिन देश का फायदा है, हिंदुओं का फायदा है, जिनके लिए आप हितैषी माने जाते हैं, और मैं जानता हूं कि काम आप कर सकते हैं। इसलिए कि जब आपके एक लफ्ज पर कहने पर 500 और हजार का नोट बंद हो सकता है, तो गाय के नाम पर गाय काटने पर कानून नहीं बन सकता? क्या गंगा साफ नहीं हो सकती? या कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाया नहीं जा सकता? बसाया जा सकता है, या तो आप चाहते नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं तो फिर एक साल के अंदर करके दिखाइए, अगर आप करते हैं तब तो फिर 2019 की उम्मीद कीजिए, वरना हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान मिलकर के बहुत बड़ा फैसला लेंगे। थैंक यू। मेरे भाइयों, आपसे मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है, मैं नवजोत शर्मा आपसे ये कहना चाहता हूं, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे और मौलाना जी के ये विचार आपको अच्छे लगे, एक मुस्लिम होने के नाते उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है, तो मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना वायरल करें। मुझे लाइक या कमेंट की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को एक शेयर चाहिए। अगर मेरे हाथ में होता लाइक और कमेंट का बटन आप लोगों को शो आउट ना हो तो मैं ऐसा भी करता। आपसे यही रिक्वेस्ट है, एक हिंदू होने के नाते इस वीडियो को सिर्फ शेयर करें। जय श्री राम।